किसान भाइयों नमस्कार। आज की वीडियो में आपको बताएंगे मटर की उन्नत सफल खेती। इस वीडियो के माध्यम से जो नए और युवा किसान हैं और या तो जो पहले से मटर की खेती कर रहे हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो पर हम आपको मटर की उन्नत खेती की ए टू जेड संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं, विस्तार से समझाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खेत की तैयारी यानी फील्ड तैयार। तो खेत तैयार करने के लिए आप कम से कम 2 से 3 ट्राली गोबर की पकी हुई खाद होनी चाहिए और 2 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट जो पाउडर फॉर्म वाली आती है पूरे खेत में बिखेर कर खेत को समतल करा दीजिए। बात करते हैं उन्नत समय। तो उन्नत जो समय है अक्टूबर और नवंबर का उन्नत समय ही मटर के लिए उन्नत माना गया है और टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बहुत ही बढ़िया रहता है। बात करते हैं बीज से बीज की दूरी। तो किसान भाइयों बीज से बीज की दूरी 5 सेंटीमीटर हमको रखनी है और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर हमको रखनी चाहिए। बात करते हैं सिंचाई। तो मटर की फसल पर 2 से 3 हल्की सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है और हो सकता है अलग अलग मिट्टी पर यह सिंचाई कम या ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन मटर की जो फसल है हल्की सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। बात कर लेते हैं उन्नत किस्में। तो उन्नत किस्में अलग अलग एरिया में अलग अलग वैरायटी तो बेस्ट रहती हैं, लेकिन उनसे भी बेस्ट हैं उन्नत किस्में UPL कंपनी की गोल्डन, GS10, PSM3 और AP3। यह बढ़िया वैरायटी हैं, जल्द तैयार हो जाती हैं और बहुत ही बेस्ट हमको उत्पादन देखने के लिए मिलता है। बात करते हैं बीज की आवश्यकता यानी सीड्स रिक्वायरमेंट। तो प्रति हेक्टेयर 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीजों की आवश्यकता पड़ती है और वहीं बीज उपचार आप UPL कंपनी के झेलोरा फंगीसाइड से या फिर किसी भी बेस्ट कंपनी का फंगीसाइड होता है उससे आप बीजों को उपचार जरूर करें, इससे जर्मिनेशन ठीक तरीके से होता है। इसके अलावा बात करते हैं स्प्रे और खाद का शेड्यूल, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मटर की फसल पर। यदि उपज उत्पादन यदि हमको बढ़िया चाहिए है, फल्ली की लेंथ लंबाई बहुत ही अच्छी चाहते हैं आप, तो स्प्रे पर और खाद के शेड्यूल पर आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो कृपया ध्यान से सुनिए। देखिए कीट जो आते हैं जैसे चैंपा जिसे हम माहू बोलते हैं, लीफ माइनर, फली छेदक, तो कई प्रकार के कीटों का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट स्प्रे के बारे में यानी बुआई से। जैसे ही हमारी मटर की फसल 12 से 15 दिन की होती है तो हमको फर्स्ट स्प्रे करना चाहिए। फर्स्ट स्प्रे पर M45 यानी मैंकुजा 75% को 300 ग्राम और उसी के साथ प्रीमेन सुपर 250 ml और उसी के साथ एक प्लांट ग्रोथ प्रमोटर बायोबीटा 200 ml, इन तीनों को मिक्स करके स्प्रे कर दीजिए। फर्स्ट स्प्रे पर 150 लीटर पानी प्रति एकड़ की दर से हम आपको जानकारी बता रहे हैं, फिर देखिए आप रिजल्ट। इसके अलावा बात करते हैं फर्स्ट खाद यानी पहला स्प्रे हमने कंप्लीट कर दिया, अब बात करते हैं फर्स्ट खाद। तो बुआई से मटर की फसल 20 से 22 दिन की होती है तो 40 किलोग्राम यूरिया 35 से 40 किलोग्राम यूरिया और उसी के साथ 5 किलोग्राम माइक्रो न्यूट्रिएंट खाद, इन दोनों को मिक्स करके आप प्रति एकड़ की दर से दीजिए और सिंचाई कर दीजिए। बात करते हैं सेकंड स्प्रे। जब हमारी मटर की फसल 30 से 35 दिन की होती है तो फेंटाक प्लस टॉनिक लेना है जिससे फूलों की संख्या में वृद्धि हो। बायर कंपनी की लार्वेन 200 ग्राम कॉन्फिडोर सुपर 40 ml, इन तीनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से 150 लीटर पानी पर प्रति एकड़ की दर से आपको स्प्रे करना चाहिए। बात करते हैं सेकंड खाद। तो दूसरी खाद हमको जब मटर की फसल 30 से 35 दिन की होती है तो यूरिया 45 किलोग्राम MOP 25 किलोग्राम और 3 किलोग्राम सल्फर युक्त खाद जड़ों के पास देकर सिंचाई कर दीजिए। इसके अलावा मटर की फसल पर यदि फंगस का प्रकोप होता है, फंगस का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, किसी भी प्रकार के फंगस का प्रकोप अटैक देखने के लिए मिलता है, तो आप सल्फर प्लस टेबुकोनाजोल एक तो जो फंगीसाइड आती है 300 ग्राम आप चाहे तो सेकंड स्प्रे पर भी मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। मटर की फसल पर अधिक उपज लेने के लिए आप एक प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का जरूर इस्तेमाल करें, चाहे बायोबीटा हो या फिर पोषक सुपर हो कृषि रसायन का। इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट खाद भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं या फिर आप ह्यूमिक एसिड भी खाद का प्रयोग कर सकते हैं।
यूरिया जो होती है नाइट्रोजन प्रारंभिक चरणों पर ही और आवश्यकता अनुसार ही आपको प्रयोग करना चाहिए। उकठा रोग के लिए आप जैव बैक्टीरिया से बीजों को उपचार करना चाहिए। फूल आने से 5 से 7 दिन पहले ही आपको टॉनिक का स्प्रे करना चाहिए। यदि बात करते हैं बुआई के समय खाद, तो बुआई के समय खाद में आप DAP और सिंगल सुपर फास्फेट प्लस MOP का प्रयोग कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं और आप हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।